पश्चिम बंगाल सरकार ने इस हफ्ते की शुरुआत में ऐलान किया कि वो आने वाले वक्त में कोलकाता शहर में ट्राम सेवाओं को बंद करने की सोच बना रही है। ट्रैफिक से जुड़े मुद्दों का हवाला देते हुए बंगाल सरकार ने कहा कि वो मैदान से एस्प्लेनेड तक के हेरिटेज रूट को छोड़कर बाकी सभी ट्राम सेवाओं को रोक देगी। हालांकि अब तक इसे बंद करने की तारीख का ऐलान नहीं किया गया है। सरकार के फैसले पर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। लोगों का कहना है कि 150 साल पुरानी ट्राम कोलकाता के कल्चर की खास प्रतीक है और इसे शहर के लोग हो या फिर सैलानी सभी पसंद करते हैं। It is not only heritage, it is also the solution for Calcutta's traffic problem. So right now, the you know, we have been hearing from the minister that you know, for last 1 year, you know, I mean, they want to you know, close down the tramways from the city of Calcutta. And the you know, basic reason, two, three reasons which they are giving. The first reason is tram creates you know, congestion, tram creates traffic jam, and tram is a slow-moving vehicle. I think both the argument does not have any merit. पश्चिम बंगाल सरकार ने कोलकाता में ट्राम सेवाओं को बंद करने के अपने फैसले को सही ठहराया है। उसकी दलील है कि ट्राम की वजह से भीड़ भाड़ वाले वक्त के दौरान भारी ट्रैफिक जाम लगता है। साथ ही सरकार का ये भी कहना है कि पिछले कुछ साल से कम लोग ही सफर के लिए ट्राम का इस्तेमाल कर रहे हैं। उसके मुताबिक लोग अब ट्राम के बजाय रफ्तार भरे साधनों को ज्यादा तरजीह देते हैं। हालांकि विरोध प्रदर्शन कर रहे कोलकाता के लोग पश्चिम बंगाल सरकार की इस दलील से सहमत नहीं दिखते। लगभग 450 नगरी में ट्राम चल रही है, नई LRT उन लोग सब बन रहा है। हमारे यहाँ सभी इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, लाइन पट्टी है, ऊपर का तार, फैक्ट्री, डिपो, सब कुछ है, गाड़ी है। इसी के समय में यहाँ पर ट्राम उठाने के लिए कोई युक्तिपूर्ण कारण हमें नहीं दिखता है। इसलिए ये तो एक नागरिक संपत्ति है, हमारा संपत्ति है, इसलिए हमें यह प्रोटेस्ट कर रहा है। भारत में ट्राम की शुरुआत पहली बार 1873 में घोड़ा गाड़ी के तौर पर हुई थी। इसके बाद 1902 से ये बिजली से चलने लगी। लंबे अरसे के बाद भी कोलकाता ऑपरेशनल ट्राम सिस्टम वाला इकलौता भारतीय शहर बना हुआ है। कई लोगों का मानना है कि कोलकाता की पहचान बन चुकी ट्राम को पूरी तरह बंद करने के बजाय इसे मौजूदा दौर की जरूरतों के हिसाब से अपग्रेड किया जाना चाहिए।